ऐसे में अगर आप उसके आगे पीछे ज्यादा घूमते हैं तो अपनी वैल्यू को गिराते ही चले जाते हैं। तब तक आप पछताएंगे, गालियां खाएंगे, दरवाजे पर धुतकारे जाएंगे। आप में से वो कौन कौन लोग हैं जिन्हें डर लगता है कि अगर पार्टनर को इग्नोर किया तो वो छोड़ देगा, इसी वजह से आप चाहकर भी उसको इग्नोर नहीं करते? अगर हाँ आप वो इंसान हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत 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 काम आने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय डिटॉक्स फैमिली, अक्सर ऐसा होता है कि जब आपसे कहा जाता है, आपसे एडवाइस की जाती है कि अपने पार्टनर को इग्नोर करना शुरू कर दो, तो आपके दिल में एक डर होता है कि यार वैसे ही तो बात नहीं कर रहा, मैंने इग्नोर किया तो कहीं और ज्यादा वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। फिर इग्नोर करने का फायदा ही क्या है? अगर ब्रेकअप हो गया तो आप डरे हुए रहते हो, इसलिए इग्नोर करने से डरते हो। आज ना कुछ चीज आप समझ लीजिए जो इस रिश्ते में आपको हेल्प करेगी, इस रिश्ते को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगी। पहला तो ये कि इग्नोर कब और क्यों करने की एडवाइस दी जाती है। ऐवे ही इग्नोर नहीं किया जाता। पता चले कि रिश्ता ठीक ठाक है, पार्टनर 2 दिनों से बात नहीं कर रहा, टाइम नहीं दे रहा, तो आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया, या झगड़ा हो गया तो आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया, ऐसी बातों पर इग्नोर नहीं किया जाता। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इग्नोर करना कब होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं पता कि इग्नोर कब करना है तो डेफिनेटली आप अपने अच्छे खासे रिश्ते को आग लगा लोगे, बिलीव मी। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। देखो कब इग्नोर करते हैं, जब आपको पता है कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता है ना, आपको वक्त नहीं देता, ये शायद वो आपको प्यार नहीं करता, या फिर वो इग्नोर करता है, ज्यादा भाव खाता है। आपने बहुत एफर्ट्स लगा लिए समझाने के, मनाने के, प्यार दिखा लिया, आगे पीछे घूम लिया, लेकिन उसकी जिंदगी में आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं, वो आपकी जरा भी वैल्यू नहीं करता। आपने कॉल किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, आपने मैसेज किया उसने रिप्लाई किया तो ठीक, नहीं किया तो वो कभी सॉरी नहीं बोलता, उसको जरूरत लगती ही नहीं है कि भाई उसका कॉल आया है तो एक बार रिप्लाई कर दूं, नहीं लगता उसको, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो लापरवाह है, उसको पता है भाई बंदा कहीं नहीं छोड़ के जाने वाला। इस वजह से ऐसा एटीट्यूड है। तो अल्टीमेटली उस रिश्ते में आपकी, आपके प्यार की वैल्यू नहीं है, एंड आपने एफर्ट्स कर लिए लेकिन वो इंसान वैसा का वैसा है, तब इग्नोर करना होता है सबसे पहली चीज। दूसरा कि अब बात आती है कि चलो वो वैल्यू नहीं करता, पहले ही वैल्यू नहीं करता, मैं कितना प्यार दिखाता हूं तब वो इंपॉर्टेंस नहीं देती, मैं तो उसके लिए मरा जा रहा हूं तब वो मेरी कदर नहीं करती, उसकी जिंदगी में मेरी वैसी कोई हैसियत नहीं है। ऐसे में भी अगर मैंने इग्नोर किया तो भाई मैं तो वैसे ही माइनस में आता हूँ और नीचे गिर जाऊंगा उसकी जिंदगी, मेरी वैल्यू और कम हो जाएगी, ये डाउट आपको है तो मुझे एक चीज का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि अगर आप इग्नोर नहीं कर रहे हो, आगे पीछे घूम रहे हो, तो क्या आपकी वैल्यू हो गई है? क्या इससे फायदा हुआ है, इससे बेनिफिट हुआ है? अगर आपकी वैल्यू उसकी जिंदगी में नहीं है एंड आपने एफर्ट्स करे हैं तो आई थिंक बहुत लंबा टाइम आपको हो गया होगा, महीनों गुजर गए होंगे अपने प्यार पर यकीन दिलवाते दिलवाते, क्या उसने यकीन किया, क्या उसने परवाह की? तो अगर आप इग्नोर नहीं कर रहे हो तब भी तो वो इंसान लॉजिकली आपके साथ में है ही नहीं, तब भी तो वो आपकी परवाह करता ही नहीं है। बल्कि ऐसे में अगर आप उसके आगे पीछे ज्यादा घूमते हैं तो अपनी वैल्यू को गिराते ही चले जाते हैं। देखो आपकी सिचुएशन वो है कि आप किसी दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं, उस इंसान ने आपको धुतकार दिया या प्यार से मना कर दिया पहली बार में, आप दोबारा उस पर भीख मांगते हैं, वो इंसान दोबारा आपको मना कर देगा, थर्ड टाइम मांगते हैं तो धुतकारेगा, फोर्थ टाइम मांगते हैं तो गंदा बोलेगा, फिफ्थ टाइम में अब्यूज करेगा, उसको पता है भाई ढीठ इंसान है, आप जितना बर्दाश्त करेंगे आपके साथ उतना ही मिसबिहेव होता जाएगा, एंड इससे उसे ये सिग्नल मिल रहा है कि बंदे की इज्जत नहीं है, ये इज्जत वाला है ही नहीं,
थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट होती इसकी नजरों में ना, तो एक बार मना करने के बाद ये चला जाता, लेकिन ढीठ बन के ये मेरे दरवाजे पे खड़ा है। एंड जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं करता, उसकी वैल्यू मैं क्यों करूं? उसकी वैल्यू तो अपने आप ही मेरी नजरों में गिर जाती है। आप वही भिखारी तो हो, आप हो कौन इसके अलावा? आपको बार बार धुतकारा जा रहा है, आपको इग्नोर करके, आपको रिस्पॉन्स ना देकर, आपको यू नो वैल्यू ना देकर, आपकी चीजों को, आपके बर्थडे को, आपके कॉल्स को इग्नोर करके, यही तो कर रहे हैं। बट आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप ढीठ बन के जमे हुए हो अपनी जगह पे कि भाई मैं तो प्यार करता हूँ। इससे क्या उसको पता चल रहा है कि आपके प्यार की वैल्यू है? नहीं, उसको पता चल रहा है कितना ढीठ बनता है। अरे बेशरम है, उसको कुछ नहीं होने वाला, कहीं नहीं जाने वाला, यही टिका रहेगा, ये बदलने वाला है ही नहीं। ये फील आप दे रहे हो, तो इस एटीट्यूड के साथ में तो आप कभी भी उसका दिल, उसका प्यार नहीं जीत पाओगे। यहां पर तो आपके ऊपर बात आ गई है कि भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही बचा लो ना, इज्जत तो बचा लो। प्यार नहीं मिल रहा है तो इज्जत से तो बड़ी तो वो लड़की नहीं हो सकती ना। तो यहां पर है कि अपनी इज्जत को कैसे बचाए, अपनी रिस्पेक्ट कैसे गेन करें। उसके लिए भाई इग्नोर करना शुरू करो, आपको करना पड़ेगा इग्नोर। इसके बाद दो चीजें हैं, अगर उसको सच में आपकी परवाह नहीं है तो सच में छोड़ के चली जाएगी, बट इसमें भी तो आपका फायदा है ना, कि जो धुतकारा जा रहा है आपको इतने लंबे टाइम से, अल्टीमेटली आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, आप अपनी वैल्यू समझ पाएंगे कि भाई आप भी ऐसे इंसान को डिजर्व करते हो जो आपको प्यार करे। तो मान लो अगर छोड़ भी जाएगी तो भी ये तो आपकी जीत ही है कि जिंदगी में आप आगे बढ़ पाएंगे। किसी के साथ में रहकर जूते खाने से बढ़िया है इज्जत के साथ में अकेला रहो। एंड दूसरे चांसेस ये हैं कि अगर उसके दिल में आपको खोने का जरा सा भी डर पैदा हो गया तो वापिस आ जाएगी। अगर आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया तो इससे आपकी इज्जत तो बढ़ ही जाएगी। जब हम किसी को एक बार धुतकारते हैं, वो इंसान दोबारा दरवाजे पे नहीं आता ना, तो उसकी हम थोड़ी तो इज्जत करते हैं कि यार बंदे में बात तो थी, चाहे भीख मांगने आया था लेकिन जिस दिन से मना कर दिया है ना, दोबारा नहीं आया। सबके दरवाजे पे आता है, मेरे दरवाजे पे नहीं आता, क्योंकि मैंने उल्टा बोल दिया था उससे। इज्जत बनी ही जाती है भिखारी की भी। तो जब आप उसको इतनी भीख मांगने के बाद जब इग्नोर करोगे तो चाहे वो वापस नहीं आए तब भी आपकी रिस्पेक्ट बनेगी। उसको ये समझ में आएगा कि नहीं, इस लड़के को मैं यूं धुतकार नहीं सकती, यूं इग्नोर नहीं कर सकती। आपके एक बार कॉल करने के बाद दोबारा कॉल नहीं जाएगा ना, उसको पता होगा कि भाई ये कॉल आया है ना, इग्नोर नहीं करना है। अगर मैंने कर दिया बंदा दोबारा कॉल नहीं करेगा, इतनी बात वाला है। तो वो आपकी एक कॉल की भी इंपॉर्टेंस करेगी, आपको वैल्यू करवानी पड़ेगी अपने बिहेवियर से। तो यहां पर इस डर में आप क्यों हो कि कहीं वो छोड़ ना दे? आप छूटे हुए हो ही देखा जाए तो, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप मान नहीं रहे हो, आप रियलिटी को फेस करने से डर रहे हो, अपनी इज्जत को आपने साइड कर दिया है। एंड एक चीज जो हमेशा कहती हूं, अगेन आपको रिमाइंड जरूर करवाऊंगी कि जब एक लड़की आपकी इज्जत नहीं कर सकती तो आपसे प्यार भी नहीं कर सकती, वो आपकी इज्जत भी नहीं करती। तो प्यार तो आप भूल ही जाओ, चाहे उसके पैरों में गिर जाओ, आपकी इज्जत ही कम होगी, प्यार नहीं बढ़ेगा। इस मुकाम पर आके अगर आप इग्नोर करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी वैल्यू बढ़ाओगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, तो चांसेस है कि प्यार भी आ जाए, चांसेस है। और अगर प्यार नहीं भी आए तो रिस्पेक्ट तो आएगी ही आएगी आपकी। तो दोनों हाल में आपकी तो जीत है ही, आपका नुकसान कहां पर है? तो आप थोड़ा डिटेल में इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, जो आपके अंदर सामने वाले को खोने का डर है ना, उससे थोड़ा बाहर आइए। जब तक आप इस डर को हरा कर जीतेंगे नहीं, तब तक आप पछताएंगे, गालियां खाएंगे, दरवाजे पर धुतकारे जाएंगे। बस इतना ही कहना था, होप इससे आपके दिल का जो डर है उसको फेस करने में आपको हिम्मत मिले, एंड आप अपनी इज्जत तो बना ही पाओ उसकी नजरों में। बस इस उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ, पर जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।